सुजानपुर के ऐतिहासिक ग्राउंड की सुंदरता को बरकरार रखने एवं स्वच्छता अभियान को जमीन पर उतारने के उद्देश्य से सुजानपुर प्रशासन द्वारा एक संयुक्त प्रयास सफाई अभियान ऐतिहासिक मैदान में किया गया। सफाई अभियान में नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी समस्त वार्ड पार्षद व्यापार मंडल सुजानपुर अध्यक्ष एवं सुजानपुर शहरी इकाई भाजपा के समस्त सदस्यगण छोटे छोटे बच्चों सहित विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राउंड को सुंदर बनाने की पहल में सबसे पहले कला मंच के पास एक स्थान को घास से मुक्त किया गया। जहरीले घास के नाम से जाने जाने वाली इस घास को नष्ट करके जड़ समेत जमीन से निकाल दिया गया, जिसके साथ ही उस स्थान पर फैले प्लास्टिक की बोतलों व छोटे छोटे पत्थर व अन्य गंदगी को भी साफ किया गया। इस मौके पर नगर परिषद अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने बताया कि उपखंड अधिकारी सुजानपुर शिवदेव सिंह के निर्देश पर एक दिन का सफाई अभियान सुजानपुर मैदान में शुरू किया गया है, जिसमें नगर परिषद कर्मचारी वार्ड पार्षदों सफाई कर्मचारियों के साथ साथ व्यापार मंडल सुजानपुर के सदस्यों ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया है। वार्ड पार्षद अशोक मेहरा ने सफाई अभियान को प्रत्येक माह चलाने का सभी से आह्वान किया। व्यापार मंडल सुजानपुर के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने सुजानपुर प्रशासन की इस मुहिम का स्वागत करते हुए कहा कि सुजानपुर के व्यापारी इस अभियान में पूरी तरह से प्रशासन का साथ देंगे। इसके लिए जब भी इस तरह का आयोजन होगा वह जरूर इसमें भाग लेंगे। शहरी इकाई सुजानपुर भाजपा के अध्यक्ष सुमन महाजन ने इस मुहिम का समर्थन करते हुए कहा कि सफाई व स्वच्छता अभियान संबंधी कार्यों में राजनैतिक दखल नहीं होनी चाहिए। सुजानपुर का मैदान सभी के लिए गौरव की बात है, जब भी जरूरत पड़ेगी इसकी सफाई के लिए वो यहां पहुंचेंगे। इस मौके पर नगर परिषद उपाध्यक्ष कमलेश कुमारी, वार्ड पार्षद ज्योति शर्मा, रेणु गुप्ता, नगर परिषद कार्यकारी अध्यक्ष रमन भटनागर, व्यापार मंडल सुजानपुर राज्य प्रतिनिधि विनोद ठाकुर, अखिल गुप्ता, मनु शर्मा, मुकेश गुप्ता के साथ साथ सैकड़ों स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आज ये जो कार्य ग्राउंड में किया जा रहा है, इसमें नगर परिषद के समस्त पार्षदगण, शहर के व्यापार मंडल के सदस्य व अन्य जो भी पदाधिकारीगण हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हैं, तथा कार्यालय के समस्त कर्मचारी भी इसमें सम्मिलित हैं और एसडी महोदय भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। और ये जो